नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। दक्षिण वन मंडल पन्ना के मोहंद्रा एवं पवई वन परिक्षेत्र के अमले द्वारा रात्रि कालीन गश्ती के दौरान हवाई वन परिक्षेत्र की मंझगवा बीट में संदिग्ध अवस्था में खड़ी इंडिगो कार गाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर खदानों में प्रयुक्त की जाने वाली विस्फोटक सामग्री एवं जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए प्रयुक्त सामग्री तथा सांबर का सिंह छेनग सागौन की सिल्ली जब्त करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही जंगली जानवरों के शिकार के लिए 400 मीटर के क्षेत्र में बिछाए गए GI तार जो कि 11 के भी विद्युत से करंट दौड़ाने के लिए प्रयुक्त थे, इसमें एक नग गाय, एक नग कवर बिच्छू तथा एक नग जंगली बिल्ली मृत अवस्था में पाई गई थी। वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार ने बताया कि 14 दिसंबर एवं 15 दिसंबर 2018 के दरमियानी रात वन परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में रूटीन सर्चिंग के दौरान मुंडेरा बैरियर की चेकिंग उपरांत वन अमला जैसी थी मझगवा की ओर से जा रहा था, तभी कोठी से मझगवा की ओर जा रहा सफ़ेद रंग की इंडिगो कार का पीछा करने पर अचानक कार खड़ी हो गई तथा तीन व्यक्ति कार से उतरकर भाग गए। जिस जगह उक्त कार खड़ी हुई वहाँ महोड़ निवासी योगेंद्र सिंह उर्फ रजऊ राजा पितर कृष्णपाल सिंह के अरहर के खेत से भागते हुए दिखे। टॉर्च की रोशनी पर खेत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 400 मीटर GI तार 27 नग बांस की खूंटियां के सहारे 11 केवी विद्युत लाइन तक बिछाया गया था तथा कोठी विद्युत लाइन से करंट प्रवाहित होते हुए पाया गया। उक्त तार में एक गाय सहित जो जंगली जानवर तार से झुलसे हुए मृत पाए गए। इंडिगो कार क्रमांक MP20T7654 की तलाशी के दौरान एक नग एक्सक्लूसिव 200 नग का डायनामाइट का सील पैक कार्टून, एक नग खुला डायनामाइट का कार्टून जिसमें 80 नग विस्फोटक था। कार गाड़ी की सर्चिंग के दौरान डिग्गी में एक नग सांभर का सिंह, एक नग कुल्हाड़ी, लगभग 1 किलो GR तार, एक नग एयरगन, 6 नग सागौन का चिरान मय वाहन सहित जब्ती की गई। खेत मालिक रजव राजा उर्फ योगेंद्र सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह निवासी महोड़ के खिलाफ वनजीवी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। यही है क्या है ये? कल 14/12/2018 की रात्रि गश्ती के दौरान परिक्षेत्र मोहंद्रा और परिक्षेत्र पवई की संयुक्त गश्ती की गई थी जिसमें मेरे द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो एक इंडिगो सफ़ेद कलर की कार संदिग्ध हालत में दिखी जिसका पीछा करने पर वो जाके मझगवा के कंपार्टमेंट 656 के पास रुक गई। उसमें से 3 लोग उतरकर खेत की तरफ चले गए। जो खेत की तरफ भागे थे तो उनकी सर्चिंग के लिए जब खेत के अंदर पहुंचे तो वहां पर देखा कि खेत के अंदर 400 मीटर लंबाई में फैला GI तार में करंट लगा हुआ था जिसमें एक गाय, एक कवर बिज्जू और एक जंगली बिल्ली फंस गई थी और वहीं जल गई थी। तो मौके से करंट निकलवाया। फिर इसके पश्चात जो भागे हुए थे उनकी सर्चिंग खेत में की गई चूँकि राहत लगी हुई थी खेत में, तो सर्चिंग के दौरान ये डायनामाइट की 2 पेटियाँ मिली हैं। फिर गाड़ी की सर्चिंग की गई तो गाड़ी में 6 नंग सागौन की चिरान पाई गई है और 2 नंग एक खुला और एक पैक डायनामाइट पाया गया, एक चिड़िया मार बंदूक पाई गई और सांवर का सींग भी पाया गया, 1 किलो GI तार पाया गया जिनके विरुद्ध खेत मालिक जो है रजू राजा उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। कोचिंग सेंटर जाने वाली एक नाबालिग बच्ची का बीते दिन अपहरण हो गया था। इसकी शिकायत जैसे ही कोतवाली पुलिस को मिली, पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 24 घंटे के अंदर ही नाबालिग बच्ची को ढूंढ निकाला, जबकि बच्ची के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर IPC की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। क्या है मामला? शहर की एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक नाबालिग छात्रा कोचिंग जाने के दौरान गायब हो गई थी। परिजनों ने 13 दिसंबर को मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। नाबालिग बच्ची के मामले में पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए तत्काल ही कार्रवाई शुरू कर दी। CCTV ने दिया सुराग। शहर में विभिन्न चौराहों पर लगे CCTV फुटेज को जब पुलिस ने खंगाला तो उसमें
बच्ची एक 30 वर्षीय युवक के साथ दिखाई दी, जिसकी पहचान स्कूल मारुति वैन ड्राइवर बैतूल निवासी शरद पिता रवि चौरसिया के रूप में हुई। बैतूल बॉर्डर में किया गिरफ्तार आरोपी शरद चौरसिया को पुलिस ने नाबालिग को ले जाते हुए होशंगाबाद बैतूल जिले के बॉर्डर ग्राम केसला में गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी शरद को गिरफ्तार कर अपहरण बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। इनका रहा सराहनीय योगदान। एसपी अतुल सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, पुलिस अधीक्षक एस के सिंह, निरीक्षक समरजीत सिंह परिहार के नेतृत्व में उप निरीक्षण प्रीति मिश्रा, उप निरीक्षण अजय कुमार, प्रधान आरक्षक संदीप सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही। सर, क्या मामला है एक नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण का? 13 तारीख को रात में एक FIR हुई थी, जिसमें राधिका गुप्ता नाम की लड़की है, वो कोचिंग के लिए गई थी लेकिन घर वापस नहीं आई थी, तो उनके पिताजी ने रिपोर्ट किए थे यहाँ पे थाना कोतवाली में। तो अपहरण का मामला पंजीबद्ध हुआ था, तो कोचिंग सामने से गई थी, वहाँ का CCTV फुटेज घर पे देखे थे अपन ने, तो एक गाड़ी में एक लड़का दिख रहा था, जिसकी पहचान की थी अपने परिवार वालों की, शरद नाम का लड़का है, शरद चौरसिया, जो कि उसके स्कूल में पहले स्कूल बैच चलाता था, उसके रूप पहचान की थी, तो उसका एड्रेस पता किया, बैतूल का होना बताया। तो थाना प्रभारी महोदय द्वारा हमारे मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत एक टीम बना के भेजी गई बैतूल। बैतूल में पता किए हम लोग, तो बैतूल से पता चला कि वो घर पे नहीं है, भोपाल तरफ गया है, तो उसका साइबर सेल से सीरिया निकाल के पता किया गया, तो उसकी लोकेशन होशंगाबाद इटारसी के आसपास आ रही थी। तो रातों रात हम लोग बैतूल से इटारसी गए, इटारसी में केसला थाने के पास उनकी लोकेशन मिली, तो हम लोग वहाँ के लोकल स्टाफ की सहायता से बस स्टैंड पास मिले, वो लोग बता रहे थे भोपाल जाने की फिराक में है, इस प्रकार से उनको पकड़ा गया और लाया गया। पूछताछ की गई तो बताया कि वो ले गया था शादी करने के लिए, शादी करना चाहता है लड़की से, उसको बहला फुसला कर ले गया। ये मामला पूरा, आरोपी नाम है शरद चौरसिया, बैतूल रहने वाला। किन धाराओं के तहत मामला? 363, 342, 366। CCTV फुटेज वगैरह कुछ? CCTV फुटेज अभी पत्र लिख दिया गया है, अभी मिल जाएगा। नगर पलेरा में सबके चहेते लोकप्रिय नेता खरगापुर विधानसभा के विधायक राहुल सिंह लोधी की जन आशीर्वाद यात्रा संजय नगर से शुरू होकर बड़ा बस स्टैंड बस्ती होते हुए छोटा बस स्टैंड पहुंची, जहां लोगों का अपार आशीर्वाद मिला और जगह जगह तुलादान किया गया। विधायक के साथ जिला मंत्री अभिषेक रानू खरे, मंडल अध्यक्ष सिंह यादव, पूर्व नगर पालिका सुनील खटीक के सहित BJP के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपने जो वादा किया था क्या वो पूरे होंगे जो आपने किया था? और जनता इतना अपार आपको सहयोग दे रही है, आप क्या कहना चाहते हैं जनता के लिए? जनता आपको इतना अपार सहयोग दे रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर एवं रिंकू सोनकर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश सचिव नियुक्त होने पर खंडवा में बना जश्न। खंडवा के केवल राम चौराहे पर कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होने एवं रिंकू सोनकर को प्रदेश सचिव नियुक्त होने पर एक समारोह में स्थानीय केवल राम चौराहे पर तुलादान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवा बुजुर्ग बच्चे शामिल हुए। रिंकू सोनकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि भले ही खंडवा में हमारा विधायक नहीं बना हो, लेकिन हम जनता के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। स्थानीय गांधी भवन हमेशा सभी लोगों के लिए खुला रहेगा। कलेक्टर एवं SP पर वार करते हुए उन्होंने कहा, अब प्रशासन के हट धर्मिता एवं झूठे केस दर्ज नहीं होंगे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए हैं उसे पूरे करेंगे। किसानों का कर्जा 10 दिनों में माफ करेंगे। कल भोपाल में जमहूरी मैदान पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जश्न में अशोक पटेल, सदाशिव भवरिया, लियाकत पवार, जितेंद्र चौधरी, चैन सिंह वर्मा, पिंकू सोनकर, इंदर सिंह पवार, अंकित पाठक एवं सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसका जश्न मनाया है क्या? किस प्रकार से मनाया है? बड़े उत्साह में दिखे आज 14 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार रही है, इसको लेकर आपने जीत का जश्न मनाया है, क्या है प्रोग्राम? आज हमें कल हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कल हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे माननीय कमलनाथ जी, उसका जश्न था, खुशी का माहौल है। आप देख ही रहे होंगे, किसान भी खुश है, आम जनता भी खुश है, खंडवा वासी भी खुश है कि आप अच्छे दिन आ गए हैं।
और मोदी जी घर चले गए, अभी शिवराज गए हैं, मोदी जी भी जाने वाले हैं। आपको बता दूं कि जनता इतनी परेशान थी, आप लोगों ने तो खुद फील्ड में जाकर देखे। और आने वाले समय कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है, हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा और जो भी समस्या है बिजली का बिल हाफ होगा। हमने क्योंकि घोषणाएं नहीं की शिवराज सिंह जी जैसी, हमने वचन दिए वचन। खंडवा से जय प्रकाश राठौर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।